वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत और आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें एक दो दिन से काफी ज्यादा मिल रही थी और मजे की बात यह है कि ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में भी जा रहा है। मैंने अभी देखा था तो 15 नंबर पर ये ट्रेंडिंग में जा रहा था, लेकिन ये कौन सा सॉन्ग है बताएंगे मौज़ा। टाइटल है फिर ना ऐसी रात आएगी सॉन्ग, लाल सिंह चड्ढा, आमिर, करीना, अरिजीत, प्रीतम। ऐसे लग रहा है मौज़ा एक ही लाइन में सब कुछ पढ़ता जा रहा है। आमिर करीना ठीक है, पता है अरिजीत सिंह ने गाना गाया तो इसका मतलब प्रीतम सर का ये म्यूजिक है, तो इट मींस के भाई सोने पे सुहागा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ये गाना, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। इसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नजदीक से रात भर देख लूं मैं तुम्हें, जाने न तू इस दफा रोक लूं मैं तुम्हें। तुम सामने सच में हो या कोई ख्वाब है, खुद पे नहीं है यकीन, पूछ लूं पे एक मर्तबा, आज दिल की बात आएगी फिर ना ऐसी रात आएगी, यूं हमें जो साथ लाएगी। क्या ये मुमकिन है कभी तुम मेरे हो पाओगे, मैं ये बाहें खोल दूंगा तुम गले लग जाओगे। जिस तरह उम्मीद से देखता हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझे भी उस नजर से देखने लग जाओगे। या इसी उम्मीद में मेरी जिंदगी गुजर जाएगी फिर ना ऐसी रात आएगी, यूं हमें जो साथ लाएगी। नजदीक रोक लूं मैं तुम्हें, तुम सामने सच में हो या कोई ख्वाब है, खुद पे नहीं है यकीन, पूछ लूं मैं तुम्हें।
गाने की जो पिक्चराइजेशन है उसका तो मुझे मालूम नहीं कि ये कैसी होगी, लेकिन अभी जिस फॉर्म में हमें ये एक लिरिकल गाना जो है सुनने को मिला है, लेकिन उसका जो एक बैकग्राउंड था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको इम्प्रेस करता है और आपके ऊपर इम्पैक्ट भी करता है, क्योंकि अगर आगे आने वाले मौसम की बात करें ना तो कुछ इसी तरह का होने वाला है, चांदनी रात और रात को बादल और चांद के आगे से बादल गुजर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम बहुत रोमांटिक और शायराना हो रहा है, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया ना। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि मैंने फॉरेस्ट गम देखी है तो मेरे माइंड में वो पूरी मूवी चल रही थी और जो लिरिक्स थे मुझे, मैं कहीं ना कहीं पर अंडरस्टैंड कर पा रही थी आप। हाँ, कि कहाँ पर हो सकता है कि ये गाना हो और मतलब किस सीन पे ये गाना जो है वो बनाया गया हो, बट मुझे लगता है पता नहीं क्योंकि आमिर खान जो है वो जस्टिफाई करेंगे इस रोल को। फॉरेस्ट गम बहुत अच्छी मूवी है, जिस तरीके से उन्होंने बीच में एक्टिंग की है, जो स्टोरी लाइन है सब कुछ बहुत परफेक्ट है, देखकर मजा आता है, लास्ट में इमोशनल होना बनता है। लेकिन अब ये हम लोग देखेंगे मतलब कि मतलब बॉलीवुड में किस तरीके की एक लाल सिंह चड्ढा हम लोगों को देखने को मिलती है। लिरिक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कमाल के लिरिक्स थे, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि स्टोरी के लिहाज से लिरिक्स परफेक्ट हैं। अगर स्टोरी वही है जो मैं सोच रही हूँ उसी तरह से, क्योंकि बॉलीवुड में है तो मे बी थोड़ा सा हमें चेंज भी देखने को मिले अगर कुछ वहां पर उसके बॉलीवुड का टच आप कह रही हैं बेसिकली। देखो जिस जगह में हम लोग रहते हैं वहां का कल्चर, उनके इंसिडेंट्स थोड़े डिफरेंट रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी तो मूवी फिर और स्क्रिप्ट जो है वो मुझे लगता है कि चेंज हो जाता है। देखें भाई, मैंने तो अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा है, जो मूवी है जो ओरिजिनल है जिसका रीमेक है वो मूवी मैंने भी नहीं देखी, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने इतनी तारीफ की है तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे देखनी पड़ेगी। लेकिन जो है गाने के लिरिक्स की मैं बात करूँ तो लिरिक्स वाकई बहुत अच्छे हैं, ऐसे लिरिक्स हैं कि आप जो है ना रिलेट कर सकते हैं चीजों से। लेकिन जो स्टार्टिंग में एक राग थोड़ा सा लगाया हुआ है ना, उसमें जो एक आवाज में खनक उन्होंने अपनी पैदा की हुई है वो बहुत कमाल की है। वो हाँ, वो सुनने का जो है ना, यानी कि कानों को एक अलग तरह का आपके सुकून मिल रहा था। अच्छा, मौसम में एकदम बोलते बोलते इतना ऐसे उसकी आवाज, इसकी पिच थोड़ी लो हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात खत्म हो रही है मैं बोलना शुरू हो जाऊँ, लेकिन फिर मौसम फिर ऐसे धीमे धीमे फिर बोलना शुरू हो जाता है। बट मुझे अरिजीत सर की आवाज में और आतिफ असलम सर की आवाज में एक चीज बड़ी कॉमन लगती है, मतलब आवाज दोनों की डिफरेंट है, गाने का स्टाइल भी डिफरेंट है, बट जो एक आतिफ असलम सर की आवाज में भी हम लोग को यू नो एक डिफरेंट सी एक हाँ नजर आ रही, खनक होती है या पता नहीं क्या बोलते, आवाज की एक अपनी होती है, चार्म होता है। इसी तरीके से अरिजीत सर का भी ना एक होता है कि थोड़ी सी आपको खराश वाली वो एक आती है बीच में साउंड ऐसा ना, लेकिन वो मजा बहुत आपको, लेकिन आतिफ असलम सर का भी मेरे को यही लगता है कि उनकी आवाज में भी इस तरह का जो एक साउंड आता है ना मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। यही तो चीज है कि क्या नाम लेते, वो आपके जो है ना उसे इतना अच्छा बनाकर पेश करना कि सुनने वाले को जो ना सुनने का मजा आए। अच्छा, वैसे लिरिक्स इतने अच्छे थे कि मेरा दिल करा था मैं आंखें बंद करके तो इनको सुनूं। गाना बेसिकली ऐसा ही था, पहाड़ों में चांदनी रातों में जो है अगर मौसम अच्छा हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, नहीं बारिश बेशक ना हो, हाँ, और आप छत पर बैठे हो और जो है ये गाना आप सुन रहे हो, कॉफी का मग हो, ओह माय गॉड, नहीं मैं कॉफी नहीं पी सकती तो इसलिए मेरे हाथ में चाय का मग हो सकता है या फिर लस्सी, नहीं भाई इतना भी नहीं, मतलब लस्सी भी नहीं तो उसमें पकोड़े हो सकते हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट हाँ, मुझे लगता है कि काफी आपको ना ये रिलैक्स करने वाला है, और भाई ट्रेंडिंग में जाना बनता था इस गाने का, बनता जो इसके लिरिक्स है, जो उसका म्यूजिक था, अमित भट्टाचार्य जी के लिरिक्स हैं, कमाल के लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, और मैं कहूंगी कि म्यूजिशियन ने और सिंगर ने चार चांद लगा दिए, मतलब ओवरऑल कमाल का गाना, बहुत मजा आया, बिना पिक्चराइजेशन के भी हम लोगों को ये सुनने का इतना ज्यादा मजा आया, तो मैं सोचूंगी जब पिक्चराइजेशन में देखेंगे तो लेट्स सी के फिर कितना मजा आता है, इस तरह ज्यादा मजा आता तो या उस तरह से ज्यादा मजा आएगा, दोनों तरह से मजा आएगा, क्योंकि सम टाइम्स ऐसे होता है कि आपको वीडियो देखने का दिल नहीं कर रहा था, और मोस्टली आप जो है ऑडियो सॉन्ग जो है ना वो ज्यादा जो है एंजॉय करते हैं बजाय इसकी वीडियो के। ट्रू, मैं भी ये बात मानती हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन आई थिंक मूड पर डिपेंड करता है आप कैसे गाना सुनना चाहते हो उस टाइम में, और ये गाना ऐसा है कि जो मुझे लगता है वो किसी और दुनिया में ले जाएगा, इस तरह का इसका म्यूजिक और लिरिक्स और मतलब सिंगर की आवाज़ का वो बताया कि भाई उनकी तो तारीफ करना, मैं मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ होती है क्योंकि वो किसी तारीफ में मोहताज ही नहीं है, इतना मज़ा आता है उनके गाने सुनने का। एनीवे गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें इजाज़त मिल रही है।